हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। तो दोस्तों, आज की वीडियो बीएसएफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन की कट ऑफ के ऊपर है, जो कि 2019 में दिल्ली राज्य की कट ऑफ कितनी गई थी और 2022 में कितने जाने के चांस हैं। तो इस वीडियो के अंदर हम यही डिस्कस करेंगे। चैनल में फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए हमारे। तो दोस्तों, चलते हैं, हमारे टॉपिक आज क्या है। तो दोस्तों, ये है बीएसएफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन की कट ऑफ और ये है आज दिल्ली राज्य की। आप देख सकते हैं दिल्ली की कट ऑफ है ये, और 2019 में कट ऑफ कितनी गई थी कितनी नहीं। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जो 2019 में कुक की वैकेंसी थी, वाटर कैरियर की वैकेंसी थी और वाशरमैन की वैकेंसी थी, बारबर की वैकेंसी थी, स्वीपर की वैकेंसी थी। इन पांच ट्रेड्स में दिल्ली राज्य में 2019 की 19 में वैकेंसी थी, अदर ट्रेड्स में कोई वैकेंसी नहीं थी बीएसएफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन में। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूँ, कुक में जनरल की गई थी 55 गई थी जनरल की, और ओबीसी की गई थी 54 और एससी गई थी 64, हाई गई थी काफ़ी, और एसटी गई थी 42। और वाटर कैरियर में जनरल की 55 गई थी, और ओबीसी में कोई वैकेंसी नहीं थी और ना ही एससी में कोई वैकेंसी नहीं थी और ना ही एसटी में कोई वैकेंसी थी। इसमें केवल जनरल में वैकेंसी थी। एससी एसटी या ओबीसी वाला कैंडिडेट्स जनरल में फाइट कर सकता था यदि उसकी एज जनरल के बराबर थी। तो दोस्तों, ऐसी वाशरमैन में 50 गई थी मेडिकल के लिए, और यहाँ पर ओबीसी में कोई वैकेंसी नहीं थी, एससी में कोई वैकेंसी नहीं थी और एसटी में कोई वैकेंसी नहीं थी। और अब आ जाते हैं बारबर की काफ़ी हाई गई थी, 71 जनरल की गई थी, 57 ओबीसी गई थी, और एससी में कोई वैकेंसी नहीं थी, एसटी में कोई वैकेंसी नहीं थी। और लास्ट आ जाती है हमारे स्वीपर की 40 गई थी जनरल की, 51 गई थी ओबीसी की, और 52 गई थी एससी की, और एसटी में कोई वैकेंसी नहीं थी। तो दोस्तों, ये तो बात हो गई हमारी 2019 में दिल्ली राज्य की कट ऑफ बीएसएफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन की कितनी गई थी कितनी नहीं गई थी। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, सभी जानते हैं कि 2019 में हमारी वैकेंसी 1761 थी और 2022 में वैकेंसी हमारी 2788 है, लगभग 1020 के आसपास वैकेंसी है हमारी टोटल, लगभग इंक्रीज हुई है इस बार 2022 में। तो हमारे इस बार कितने जाने के चांस है कट ऑफ, कितने नहीं, तो उसी के अंदर मैं बताऊँ। आप जैसे कि मैंने बताया था कि मेडिकल के लिए गई थी ये मेरिट, जो है जनरल की मेरिट, मेडिकल के लिए मेरिट गई थी ना कि फाइनल मेरिट। इसके बाद भी 6 से 7 नंबर इंक्रीज हुए थे, वो मैं आपको बता दूंगा। तो दोस्तों, इस बार आपको टारगेट कितना रखना है, जैसे कि आप मान लीजिए कुक के लिए, कुक का एग्जाम्पल कुक लेते हैं, एग्जाम्पल कुक जैसे कि इसमें लास्ट टाइम मेडिकल के लिए 55 गई थी, तो इस बार भी 54 से लेके 56 के जाने के चांस है, 54 से लेके 56। और आप हर मतलब कैटेगरी में आप देख सकते हैं एक नंबर प्लस या माइनस, प्लस माइनस एक नंबर आप कर सकती हैं, और यही रहने वाली है दोस्तों इस बार जो मेरिट है, क्योंकि वैकेंसी मतलब पिछली बार से अधिक है दिल्ली राज्य में। तो इस बार यही जो है कट ऑफ रहने वाली है मेडिकल के लिए। और इसके बाद में आपको जो यदि आप फाइनल सेलेक्शन करना है, मतलब फाइनल श्योर सेलेक्शन करना है आपको, तो आप 70 के आसपास अपना जो है किसी भी ट्रेड्स में हो, 70 मार्क्स के लगभग आप अपने मार्क्स लाइए, 70 प्लस मार्क्स लाइए, तो आपका जो है सिलेक्शन फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा बड़े इजी तरीके से। तो दोस्तों, ये थी दिल्ली राज्य की कट ऑफ 2019 में क्या गई थी और 2022 में क्या जाने के चांस है। तो आप लगभग मान सकते हैं कि आप 70 प्लस का टारगेट रखिए दिल्ली राज्य वाले कैंडिडेट्स, मतलब कोई सी भी ट्रेड्स हो, आपका सिलेक्शन 100% हो जाएगा यदि आप 70 प्लस लाते हो तो। उससे नीचे भी हो जाएगा, बट आप सिलेक्शन श्योर चाहते हैं तो आप 70 प्लस आप लाइए नंबर अपने, तो अपना सिलेक्शन श्योर मान सकते हैं आप। तो दोस्तों, ये कट ऑफ थी 2019 की कट ऑफ दिल्ली राज्य की क्या गई थी और 2022 में क्या जाने होगी। दोस्तों, चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं हमारे, तो चैनल को यार सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।